रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर हिरासत के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल का आरोप लगा है और इस कारण से उन्हें अलीबाग के कोविड केंद्र से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलोजा जेल भेज दिया गया है। बता दें कि अर्णब को एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए बनाए गए कोविड 19 केंद्र में न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा गया था। और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रायगढ़ क्राइम ब्रांच ने अर्णब को किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए और सोशल मीडिया पर गतिविधियां करते हुए पाए गए थे। जबकि 4 नवंबर को पुलिस ने जब अर्णब को हिरासत में लिया था तो उनका निजी मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था और इन सब के मद्देनजर अर्णब को तलोजा जेल भेज दिया गया है। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। बता दें कि जेल ले जाते वक्त अर्णब ने पुलिस की गाड़ी से चिल्लाते हुए आरोप लगाया था कि जेलर ने उनकी पिटाई की है और उनकी जिंदगी खतरे में है और उन्हें अपने वकील से भी बात नहीं करने दिया जा रहा है। जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए, बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे, मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। इन्होंने मुझे घसीटा सुबह रात को ही इधर जेल में लाने की कोशिश की। मैंने बोला कि प्लीज मुझे लॉयर से बात करने दीजिए तो बोला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज, मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए, मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। वही रिपब्लिक टीवी की वरिष्ठ कार्यकारी संपादक और अर्णब की पत्नी सम्यव्रत राय ने कहा कि उनके पति को फर्जी आरोप में फंसाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अर्णब पहले ही 4 रात जेल में गुजार चुका है और उनकी जान को अब खतरा बना हुआ है, साथ ही जेल में उनकी पिटाई भी की गई है। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने तलोजा जेल के जेलर से मुलाकात की और जेलर ने उन्हें आश्वासन दिया कि गोस्वामी का उत्पीड़न नहीं होगा और उन्हें आवश्यक चिकित्साएं भी दी जाएगी।